मेरी बेटी यतीम जरूर है, लवारिस नहीं है, माँ जिंदा है उसकी। जो भी मेरी बेटी की तरफ उंगली उठाएगा ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं उसका। सानिया क्या हुआ है तुम्हें, बताओ तो सही, अच्छी भली बाहर गई थी, रो क्यों रही हो? अरे यासिर ने कुछ कहा है क्या? तुमने बिना खामा खास को यासिर के पीछे भेजा। माफी जान, मैंने तो उसकी सहूलत के लिए भेजा था। पूछे इससे क्या क्या बातें नहीं सुनाई इसने मुझे, कैसे कैसे इल्जाम लगाया मुझ पर। क्या कहा है तुमने मेरी बेटी को, बताओ। मेरी बेटी यतीम जरूर है, लवारिस नहीं है, माँ जिंदा है उसकी। जो भी मेरी बेटी की तरफ उंगली उठाएगा ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं उसका। किस कसम की बातें कर रही हो तुम बेकार में, क्या हो गया तुम्हें? भाईजान कभी अपनी बहू से भी पूछ लिया करे। इतना तो मैंने कुछ नहीं कहा जितना ये बात को बिगाड़ रही है। दूसरी बात ये, जिस तरह ये यासिर से बात कर रही थी ना, कोई भी बीवी देख लेती तो बर्दाश्त नहीं करती। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं यासिर से सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम गाड़ी बाहर निकालो तो मैं गेट बंद करती हूँ, बस ऊपर से ये वहां पहुंच गई। इतनी सी बात का इतना वावेला? वावेला मैंने ये मचा रही है, और अपनी बेटी से कहें कि मेरे शौहर से दूर रहे। देख रहे हैं आप भाईजान कैसे धमकी देकर गई है सबके सामने। नाश्ता करना अजाब बना दिया तुम लोगों ने मेरे लिए, हर वक्त कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई फिसाद। मैं देखती हूँ उनको जरा। इधर आओ तुम, बैठो यहाँ। ये सब करने को कहा था मैंने तुम्हें? आप ही ने तो कहा था कि आया उड़ूं और यासिर को अपनी मुट्ठी में करूं। तो ऐसे वक्त में कहा था मुट्ठी में करो जब ऊपर से उसकी बीवी आ जाए। मुझे क्या पता था कि वो सुबह सुबह पहुंच जाएगी। मानो उस मारी अजाब बन गई है जिंदगी में।